Hi friends, I'm back with another video. Today's third Monday of our series, which is day 7. आज हम pulling and movements करेंगे. तो आज का exercise start करने से पहले make sure आप properly warm up कर रहे हो. Warm up का link description में दिया. So आज का first exercise है wall assisted T elbow press. ये exercise perform करने के लिए हमें wall की जरूरत पड़ेगी. तो चलिए देखते कैसे perform करते हैं. तो फर्स्ट हमें वॉल से एक स्टेप दूर रहना, दोनों हील्स टच करके रखना, बैक टच करके रखना. ओके, पूरा बैक से हील तक पूरा स्ट्रेट लाइन में हमारे बॉडी को रखना, एल्बो को शोल्डर के लाइन में रखना टी शेप में, एंड देन ये करके हमें एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, नीचे देखना, एंड देन पुश करना एल्बो की तरफ से, ऑपोजिट साइड पुश करना है वॉल से, पुश करना है, एक्सटेंड होल्ड करना, पोस्टीरियर डेल्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन फील करना, फिर रिलैक्स, एंड अगेन पुश, एक्सटेंड होल्ड, फील द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स. सो ये एक्सरसाइज का हम 12 रेप्स परफॉर्म करेंगे एंड इसका 3 सेट्स रिपीट करेंगे एंड हर सेट के बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट होगा. सो आज का सेकेंड एक्सरसाइज है लेग असिस्टेड प्रोनेटेड ग्रिप पुलअप. तो चलिए देखते कैसे परफॉर्म करना. तो ये एक्सरसाइज के लिए हमें रिंग्स की जरूरत पड़ेगी. प्रोनेटेड ग्रिप में फर्स्ट रिंग को पकड़ेंगे, पूरे स्ट्रेट लाइन में हमें हैंग करना, बट को पीछे पॉइंट करके रखना, चेस्ट आउट, हील्स पे रहना दोनों. ओके, नी फोल्डेड रहेगा, स्ट्रेट लाइन में हमें ऊपर पुल करना, एक सेकेंड होल्ड एंड देन स्लोली डाउन. इसमें पूरा चेस्ट आउट बट पीछे पॉइंटेड ही रहेगा. स्लोली पुल अप, एक सेकेंड होल्ड. इसमें पोस्टीरियर डेल्ट्स, टेरेस मेजर्स एंड लैट्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे, फिर स्लोली नीचे आएंगे. अगेन अप, एक सेकेंड पॉज, स्लोली डाउन. तो ये एक्सरसाइज का हम 6 रेप्स परफॉर्म करेंगे एंड इसका 3 सेट्स रिपीट करेंगे एंड हर सेट के बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट होगा. आज का थर्ड एक्सरसाइज है वॉल असिस्टेड वी एल्बो प्रेस. अब ये एक्सरसाइज के लिए भी हमें वॉल की जरूरत पड़ेगी. तो चलिए देखते कैसे परफॉर्म करें. इसमें भी हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सेम हमें करना है, सेम एल्बो एक स्टेप आगे रखना है. ओके, हील्स को टच करके रखना है दोनों, एंड देन पूरे बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है, एब्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, एब्स को देखना है, एंड देन जो पहले एक्सरसाइज में टी शेप में था, एल्बो ऊपर था, अभी सिर्फ एल्बो नीचे रहेगा वी शेप में, एंड देन सेम पुश करना, एक सेकेंड होल्ड, लैट्स मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील करना, फिर रिलैक्स, एंड देन अगेन एक सेकेंड होल्ड, लैट्स मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील करना, फिर रिलैक्स. सो ये एक्सरसाइज का भी हम 12 रेप्स परफॉर्म करेंगे एंड इसका 3 सेट्स रिपीट करेंगे एंड हर सेट के बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट होगा. सो आज का फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन ऑस्ट्रेलियन पुलअप विद ट्विस्टिंग रिस्ट. तो चलिए देखते कैसे परफॉर्म करना. फर्स्ट हमें प्रोनेटेड ग्रिप में रिंग्स को पकड़ना, दोनों हील्स पे रहना, पूरे बॉडी लाइन को स्ट्रेट रखना. ओके, कोर कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, नीचे देखना, चेस्ट आउट, एंड देन प्रोनेटेड ग्रिप से सुपरनेटेड ग्रिप में ट्विस्ट करके पुल करना, एंड देन फिर से डाउन, सेम एक्सटेंड होल्ड करना ऊपर, एंड देन स्लोली डाउन. अब जब सुपरनेटेड ग्रिप में आते हो, एक्सटेंड होल्ड करते हो, तभी हमें लार्ज टेरेस मेजर्स एंड पोस्टीरियर डेल्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन फील कर, रिलैक्स, अगेन अप, एक्सटेंड पॉज, फिर स्लोली डाउन. तो इस एक्सरसाइज का हम
6 सेट्स परफॉर्म करेंगे एंड इसका 3 सेट्स रिपीट करेंगे एंड हर सेट के बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट होगा। सो आज हमने 4 एक्सरसाइज परफॉर्म किए। फर्स्ट एक्सरसाइज वॉल असिस्टेड टी एल्बो प्रेस, सेकेंड एक्सरसाइज लेग असिस्टेड पुल अप इन प्रोनेटेड ग्रिप, थर्ड एक्सरसाइज वॉल असिस्टेड बी एल्बो प्रेस एंड फोर्थ एक्सरसाइज इंक्लाइन ऑस्ट्रेलियन पुल अप इन ट्विस्टिंग रिस्ट। तो आज का ये सब एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद जस्ट मेक श्योर आप अपने मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेचिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज के लिए दैट्स इट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।